जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि कोई भी न्यायालय मोटेशन करने के लिए आपका आदेश पारित कर दिया है और कर्मचारी फिर भी मोटेशन नहीं कर रहा है तब आप क्या करेंगे। कोई भी न्यायालय का मतलब कोई भी हो सकता है, DCLR के यहाँ आप अपील में गए हो, या DM के यहाँ गए हो, या SDM के यहाँ गए हो, या कमिश्नर के यहाँ गए हो, या फिर आप हाईकोर्ट गए हों और वहाँ से आदेश हो गया आपका, लेकिन फिर भी कर्मचारी मोटेशन नहीं कर रहा है, आपको रसीद काट के नहीं दे रहा है। यह टॉपिक सजेस्ट किया है सहाय योद्धा ने, डिस्प्ले पर आपको उसका कमेंट देख सकते हैं। इसका ये कहना था कि सर, पटना हाईकोर्ट से जजमेंट हो गया है सेलिंग वाला ज़मीन का, फिर भी कर्मचारी जमींदार के नाम पर रसीद नहीं काटता है, तो उस पर क्या प्रक्रिया करें। तो देखिए सहाय जी, हम आपको तो यही कहेंगे कि अब आपका जजमेंट किस तरह से है, उसमें क्या लिखा गया है, ये तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए पर्टिकुलर आपको तो हम नहीं बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो कॉमन बात होती है, यह देखा गया है कि DCLR के यहाँ से भी जब आदेश हो जाता है तो कर्मचारी इसके लिए थोड़ा आनाकानी करते रहते हैं। तो समझ गए होंगे कि वो क्यों आनाकानी कर रहे होंगे। लेकिन आप यदि रिश्वत दे रहे हैं तो आप रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, यह भी एक अपराध है भाई। जब आप अपील में गए, वहाँ से आदेश करा के आए, तो उनको कौन चीज़ का देना है। देखिए करना क्या होता है कि यदि कोई भी न्यायालय से आपको आदेश पारित हो गया है, इस पर हम जल्द ही एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि क्या प्रक्रिया कैसे करनी होती है। क्योंकि हमारे पास भी एक केस आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, बस 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम डाल देंगे। हो सकता है बाद में यदि आप वीडियो देख रहे हों तो आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा वीडियो, आप सर्च करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल बनाए नहीं है, 1-2 दिन में हम बना देंगे। होता क्या है, आप तो ऑर्डर करवा लिए, आप सही थे, पहले तो कर्मचारी रसीद नहीं काटा, तब ना आप अपील में गए, या भाई सहाय जी आप जो है हाईकोर्ट गए, तो यहाँ से नहीं हुआ तब आप आगे गए, लेकिन वहाँ से अब आदेश हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है वो करना, उनकी ड्यूटी है। तो आपको क्या करना होता है कि आप चाहें तो इस मामला को कर्मचारी पर और CO पर लापरवाही का आरोप लगाकर बिहार लोक शिकायत में भी आप मामला को फिलहाल दर्ज करवा सकते हैं कि हमारे पास कोर्ट का जजमेंट है और इस पर संबंधित कर्मचारी एवं CO के द्वारा जो है रसीद नहीं काटा जा रहा है, उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, सन दे करके आप बिहार लोक शिकायत में भी परिवाद दर्ज कर सकते हैं और 100% आपका काम होगा। आपके केस में क्या है कि यदि आप हाईकोर्ट से आदेश करा के लाए हैं और रसीद नहीं काट रहा है और आप CO को एप्लीकेशन दिए हैं, आपके पास ये होता है कि आदेश तो आपने करवा लिया, उसकी कॉपी अवेलेबल कराना होता है CO को, और एक कॉपी तो कोर्ट के माध्यम से फॉरवर्ड होकर के तो आता ही है, लेकिन आपको भी एक एप्लीकेशन देना होता है। आपको ये भी पता कीजिए कि क्या CO साहब के पास हाईकोर्ट का ऑर्डर पहुंचा या नहीं पहुंचा। आपको भी एक कॉपी लगा के एक एप्लीकेशन दीजिए CO साहब को कि हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इस पर आप जो है आदेश हुआ है रसीद काटने का, और आप उसका रसीद काटिए, आप उसका रिसीविंग ले लीजिए। नहीं तो आप यदि आप सामने से रिसीविंग नहीं दे रहा है तो आप बाय पोस्ट भेज करके उनका रिसीविंग आप ले लीजिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो उसका कुछ मायने होता है भाई, रिसीविंग ले लीजिए। और यदि रिसीविंग के बावजूद 6 महीना तक आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप CO पर लापरवाही एवं प्रताड़ना का आरोप लगा कर फिर दोबारा हाईकोर्ट में एक मामला फाइल कर दीजिए कि आपके आदेश के बावजूद हमने CO एवं ये कर्मचारी को एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमारे साथ हरेसमेंट किया गया, हमको प्रताड़ित किया गया, लेकिन हमारा मोटेशन नहीं किया गया और हमारा रसीद नहीं काटा गया। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाकर CO और कर्मचारी को नोटिस थमा देंगे कि इस पर आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया, आप आइए हाईकोर्ट। बेहतर यही है कि आप पहले एक बार लोक शिकायत में मामला दर्ज कीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा। यदि नहीं करता है, आपको इससे के साथ बुरा बर्ताव करता है, जाते हैं तो आपको फटकार के भगा देता है, तो आप ऐसी परिस्थिति में दोबारा आप उसी कोर्ट में जाएं जहां से आपका आदेश हुआ था और वहां पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगवा दें। चूँकि आप तो केवल लापरवाही एवं हरेसमेंट का चार्ज लगवा सकते हैं, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज कोर्ट ऑटोमेटिक ले लेगा कि चूंकि उसने आदेश दिया है और उसके आदेश का पालन नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।